पार्टी प्लेयर और ये सेटअप बनाया है जो आज मैच। अब ये कौन खाएगा? मैंने बोला था मुझे आधा ही खाना है। हेलो भाई, ली मार्केट हम पहुंच गए। अस्सलामुअलैकुम। तो भाई क्या हाल है, कैसे हो? आज हमारे पास आप देखो शेरोज भाई आए। शेरोज भाई जिसके आपको पता है हम अक्सर मैच खेलते रहते हैं, जो हमारे लास्ट मैच था शेरोज भाई मैच थे, हाँ लैंड मैच था, आपने देखा होगा। आज फिर हमारा मैच है। आज कहाँ पे यार? आसफाबाद गुलीमार के पास है। अभी माजिद भी यहीं पे, वो बैग की पैकिंग वगैरह, ये शटर वगैरह बंद कर रहे हैं स्टूडियो का। आज के व्लॉग में भी मजा आएगा शेरोज। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप इन रहो और भाई आज के मैच में इंशाल्लाह कोशिश करना है मैच जीतने की। पिछले लास्ट हम लोग दो में चार, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल फाइट इंशाल्लाह। अगर माजिद को नहीं 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 अभी बस आगे से तो हम लोग निकल चुके हैं। अभी मैच तो देखते हैं, एक घंटा है ना टाइम है, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग आ जाएं तो थोड़ा होटल में चाय पराठा कुछ पेट कैप्टन सब का मशहूर होटल है, उसका फेवरेट है ये। हाँ बिस्मिल्ला होटल बोल रहे हैं, बहुत मशहूर होटल है ये, इसके चाय बेहतरीन है। तो अभी सुबह बस चाय वगैरह पीते हैं, तो उसके बाद ग्राउंड। माजिद भाई यहाँ पे टेंशन में, माजिद भाई क्यों रास्ता नहीं देखा? गुलनवाज फिर हीरो क्यों बना? उसको बोला के पेट्रोल डाल के आ जाओ, सिमरन पेट्रोल डाल के आ रहा, फिर आ ही नहीं हो। अभी हमको ढूंढता रहेगा, पता है यहाँ पे होटल में बैठे। अच्छा है ना, बोले जाएगा ग्राउंड में, लड़के कम होंगे, चलो चाय पी लेंगे। चलो भाई हम लोग फील्डिंग भी हम लोग ही करना है। नहीं नहीं वो तो आ जाएगा, मैच में घंटा है। चलो मुस्तफा चलो भाई चाय पीते हैं। ये देखो बेहतरीन जगह बनाया है, कि उन लोगों को पता है माशाल्लाह पाकिस्तानी प्लेयर आ रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी प्लेयर और ये सेटअप बनाया है जो आज मैच है। तो नासिर भाई माशाल्लाह आ गया। नासिर सेटअप कैसा है भाई? कैप्टन साहब सेटअप सही है, जबरदस्त है। शेरोज भाई जबरदस्त है माशाल्लाह, सेटअप बनाया नाश्ते का। बस शेरोज भाई ने इरादा किया 5,000 का नाश्ता करवा रहे हम सबको। शेरोज भाई ना, शेरोज भाई आप बात तो करें इधर। शेरोज भाई, शेरोज भाई क्या बने हुए? रेंडेड चटेजा। शेरोज भाई ने हमें आधा पराठा छोड़ दिया। शेरोज भाई लड़ाई के लिए मुझे पेट भर के, भी आपने आधा क्यों छोड़ा है? मैंने बोला ही था आधा खाना है। ने आधा पराठा देखो छोड़ दिया ये। देखो अभी ये कौन खाएगा? मैंने बोला था मुझे आधा ही खाना है। आधा ही खाना है जी, अभी उठ रहा था बाहर, किसी को दे दो कोई। कैप्टन ने उठा के मुझे दे दिया। बोल रहा हूँ तो लपेट के जेब में डाले, ड्रिंक टैग में डाले। हाँ ना जेब में डाले ये, आप खा लो ना। चलो भाई अभी बस निकलने का टाइम है, निकलते हैं। सही देर भाई, अभी हम लोग निकल रहे नहीं, अभी हम निकल रहे हैं मैच के लिए। तो गाइस एज यू कैन सी हम आ गए ग्राउंड में। अच्छा ये ग्राउंड है, कल मैं भी आया था नजर के साथ, नजर का मैच था, बाकी बॉयज तो बैठे हैं। बस इनका मैच खत्म होने वाला है, फिर हमारा मैच शुरू होगा। कुछ प्लेयर्स बाकी आने को, कुछ आ गए, अभी देखते हैं। थोड़ा रेस्ट करते, बैग वगैरह उठाते, अपने कंधे से जोर वोर थोड़ा कम करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। हेलो गाइस, 20 ओवर के एग्जाम पे तकरीबन अभी 173 का टारगेट है। 173 एक प्लेयर हमारा आउट हो चुका है, तकरीबन एक ओवर में खिलाड़ी आउट है और 6 रन 6 या 7 रन। हां दूसरा ओवर चल रहा है, तो अभी शेरोज गए बैटिंग में 1 डाउन, बाकी पीछे से दो लोग बैठे हुए किट करके। इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि ये इनको जाना ना पड़े, बस देखते हैं, कोशिश करते हैं कि पावर प्ले में हम लोग रन ज्यादा से ज्यादा बच तो गए, अभी बस स्कोर करना है पावर प्ले में। गर्मी तो है भाई, बाकी देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं, आपको स्कोर बताते जाएंगे। चलो भाई टीम तो माशाल्लाह बड़ी वीआईपी खेल रही है, हमारे शेरोज भाई हिट पे हिट कर रहे हैं, चौके पे बाउंड्री पे बाउंड्री लग रही है। देखो एक खिलाड़ी हमारी आउट हो गई, और बस गलती से हाँ इमामुल्लाह हमारे बैठे हुए भाई, हमारे टीम के इमामुल्लाह और नासिर कौन चाचू हमारे चाचू बैठा है, चाचू वही किट करके बैठे और मैं भी, और नासिर भाई रियल में चाचू दिखते हैं, शक्ल दिखाओ नासिर भाई का, चाचू है पूरा, उम्र भी चाचू है इसका, चार बच्चों का बाप है ये, हमारी टीम में सबसे बड़ा ये ना तू आ गया क्या, हमारी टीम में सबसे बड़ा ही सबसे बड़ा यही है। नहीं नहीं जोहर भाई, ये जोहर भाई है, जोहर भाई नहीं है, नजर है भाई,
क्या असल नाम बताओ ना, नाम असल नाम बताओ ना। अस्सलाम वालेकुम माजी साहब। टीम में क्या नाम है देखते हैं। चलो चलो अभी मैच चल रहे हैं, इंशाल्लाह आज विन है भाई, आज विन है भाई। आज तो शेरी भाई बहुत बेहतरीन खेले माशा, शेरी भाई ने तीन बाउंड्री मारे और उसके साथ इब्राहिम ने भी दो बाउंड्री मारे। बस बाकी ऐसी उम्मीद करते हैं हमारे ये प्लेयर जम गए, बाकी इंशाल्लाह मैच जीत जाएंगे हम लोग भाई। इब्राहिम ने ओपनर से खड़े हुए, बाकी शेरोज गए हैं, शेरोज बाउंड्री पे बाउंड्री लगे। एक इंसान जो दो दिन से हमारे कानों में आवाज आ रहा था कि मैं अगले मैच में परफॉर्मेंस दूंगा, 50 करके आऊंगा, मतलब उड़ाऊंगा, फुल परफॉर्मेंस दूंगा, मगर आज पहले दूसरे बॉल में उसको ग्रीन बोल्ड लग गया। नासिर नासिर भाई ये क्या, आपने 50 मार के आना था, बोल्ड हो गया, आ गए जीरो पे, ये क्या नाम बदनाम कर दिया हमारी टीम का। नासिर भाई भाई गुस्से में, नासिर भाई क्या कर दिया आपने भाई, होता है गर्मी में पहले बॉल पे आउट होना होता है भाई, दूसरा बॉल में आउट हुआ नासिर भाई, एक बॉल डॉट करके दूसरे बॉल में आउट हो गए, कोई बात नहीं नासिर भाई, गर्मी में होता होता है। तो इसी के साथ भाई आज भी हमारा बैट लग रहा है, ठीक है, और टारगेट चेस नहीं कर सके, टीम आस्ते आस्ते एक एक करके आउट होते तो इसी तरह कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। तो अभी नाकामी हुई है, बैक टू बैक तीसरा हार है, बैक टू बैक बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा हमारा, इंशाल्लाह जरूर हमारा वही हिसाब किताब है ना, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, वही हिसाब किताब है। चलो भाई अभी तैयारी कर रहे हैं निकलने की, दूसरी टीम भी मैदान में आ गई, ठीक है अभी घर के लिए निकलते हैं, गर्मी भी बहुत टाइट है, इंशाल्लाह कभी जीतेंगे आपसे शेयर जरूर करेंगे। शेरोज ने बैटिंग बड़ी टाइट की है भाई, शेरोज की बैटिंग भाई, वाह शेरोज भाई वाह, लुबड़ास बाबर आजम से भी अच्छा खेले आज लड़का भाई। आज तो भाई अब इलाके में ही हमें मिलेगा, ये आवाज यही देगा, ऐसा शॉट मारा मैंने, ऐसा शॉट मारा, अभी हम तो बिल्कुल बहरे हो जाएंगे इसके बोल बोलने से, ऐसा ही है ना अरुण, पूरा शोर मचाएगा। हां अभी ये इतना परेशान करेगा ना अपने बैटिंग का, बता बता बाबर आजम कौन है इसके सामने, बाबर आजम भी कोई नहीं है, बाबर आजम भी कोई नहीं है, ऐसा बैटिंग किया कि बाबर आजम भी कोई नहीं है। अभी बस निकलते हैं घर की तरफ, पिच भी फिर से क्लीन हो रहा है दूसरे तीसरे मैच के लिए, जाते घर की तरफ, फिर मिलते हैं आपको। मैच से आ गए, थक चुके अभी बिल्कुल, नीचे तो लाइट नहीं है स्टूडियो में, नासिर भाई लेटे हुए, अभी हम लोग को कुछ काम है बैंक का, तो सोचे अभी वहाँ पे जाने, अभी घर पे जाके बस फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर के बाद बैंक में हम लोग को कुछ काम है, तो आगे आपको मिलेंगे। बंदा फिर से हमें पैदल ले जा रहा है, अगेन बार बार अपने काम के लिए हमें पैदल ले जा रहे हैं, ये नहीं कि अपनी गाड़ी रिवो निकालो साथ में जाना, आप कुछ को पैदल जाओगे ज्यादा अच्छे है, सेहतमंद रहोगे, हर जगह पैदल जाओ मैं भाई, अगर इससे पैदल चले ना तो जो बचा कुचा जो भी ना वो भी भाई फिटनेस है पागल, और आपको पता भी है ओपनर तुम्हारा प्लेयर आपके साथ चल रहा है भाई, बात ये देखो माशाल्लाह से हम लोग है स्पोर्टमैन, तो हमारे लिए पैदल कुछ भी नहीं है यार, पैदल तो हम एयरपोर्ट तक पैदल चलो भाई, स्पोर्टमैन हो, किराया बचा रहे हो, किराया बचा रहे और कुछ भी नहीं है। नहीं अरे यार यहां पे जूस वूस पिला है भाई, उसी पैसों से जूस वूस के लाए, आप लोग गन्ने का जूस पिलाऊंगा बस, ठीक है भाई कैमरे में बोल दिया भाई, जूस पिला रहे हैं कैमरे में यार, ऑन कैमरे में पिलाएंगे भी देखना जरूर। ली मार्केट हम पहुंच गए, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ ली मार्केट, पहले याद नहीं किस नाम से था मगर अब ली मार्केट से नामा जाना जाता है। हाँ ली मार्केट से, यहाँ पे 24 घंटे आपको रश मिलेगी और 24 घंटे यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह आपको खुले मिलेंगे। ओहो यही है ली मार्केट, ये है ली मार्केट, और क्या आगे कहते हैं खजूर बाजार आगे, ये कौन सा मार्केट है, ली मार्केट, ली मार्केट तो ये हो गया ना, ये सब्जी मंडी हो गया, सब्जी वगैरह है, और आगे तो खजूर बाजार, और यहाँ पे फ्रेश फ्रेश आपको फल वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना अरुण जी, तो आने के टाइम में फ्रूट वगैरह की जरूरत होगी हमें ना, क्योंकि हम प्लेयर हैं तो
आपको तरबूजा खिला होगा ना, तरबूजा खा लेना। नहीं नहीं यार, तरबूजा पसंद नहीं है। नहीं नहीं वो केला वगैरह मेरे के तरबूजे ही अच्छे है। नहीं तरबूजा नहीं भाई, सेब होता है वगैरह, एप्पल वगैरह, तरबूजा नहीं। ठीक है ना, फिर बैंक में क्यों आना पड़ रहा? बैंक में इसलिए आना पड़ा, बैंक वाले को इशू ये आ रहा है मेरा अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। ये तो नहीं है जैसे मैंने कल आपको बोला था कि मतलब लिमिट से ज्यादा निकाला। नहीं, नहीं, तो 50,000 लिमिट था उसका, लिमिट उसके जो बैंक का मैनेजर उससे भी बात हुआ था, 50 से अगर ऊपर निकालोगे तो फिर कटेगा। अभी पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स आए हैं तो उसने बोला था कि 1 महीने में कटेंगे, वैसे अभी 2 दिन पहले फिर से कट रहे हैं। अब ये रूल आए हुए कि भाई बहुत बहुत ज्यादा टैक्स कट रहे हैं, बहुत ज्यादा। अभी इसी के मालूम के लिए मैं आया हूँ, पूछता हूँ ना। चलो पूछते, बैंक तो आ गए, किस वजह से कट रहे हैं। हाँ तो गए यार बैंक से, तो वापिस आ चुके हम। ठीक है, अभी माजिद भी हमारे साथ नहीं है, अभी जस्ट मैं, आरुण और सोएब तो अपने काम के लिए बस बैठा हुआ, किसी काम के लिए, क्योंकि वाईफाई उसके पास नहीं है शायद, इसीलिए इधर उधर बैठा रहते। अच्छा बाकी यार बहुत थक गए क्योंकि ग्राउंड में क्रिकेट खेला, उसके बाद फिर बैंक की क्वारियाँ, अभी फिर जाना है जिम। तो अभी भाई वीडियो को एंड कर दें, उम्मीद कर, हाँ आज के लिए इतनी उम्मीद करते हैं। जिस तरह आपको हमारे पिछले व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। अगर ये भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। बाकी अल्लाह हाफिज़।